सब्सक्राइब करें आवाज नेशनल न्यूज और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए ताकि हमारे अपडेट सबसे पहले आपको मिले। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ गुरुवार को हजारों लोग सड़कों पर उतरे और फिर यहां के ऐतिहासिक अगस्त क्रांति मैदान में एकत्र हुए। प्रदर्शनकारियों में राजनीतिक कार्यकर्ता, छात्र और बॉलीवुड की कुछ हस्तियां भी शामिल थी, जिन्होंने CAA और प्रस्तावित राष्ट्रीय नागरिक पंच का विरोध किया। इसी तरह के प्रदर्शन महाराष्ट्र के अन्य कई शहरों में भी हुए। अभी तक जितने शांतिपूर्ण तरीके से ये सब हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। सबको साथ देखकर बहुत खुशी हो रही है। वक्त आ गया है कि हम नफरतें मिटाएं, मोहब्बत फैलाएं और जो भी नाराजगियां हैं, डर हैं हमारे दिलों में, सरकार और सबके बीच एक डायलॉग हो। गलतफहमियां हैं तो गलतफहमियां दूर की जाए। हमारा तो देश ऐसा ही है, डिसेंट की आवाज़ सुनी जाए, पक्ष साथ में बैठे और जो भी नाराजगियां हैं दूर की जाए। कि स्टूडेंट्स और नौजवानों ने अभी तक सत्ता पलटी की है तो ये एजिटेशन जो है, ये एजिटेशन जो पूरे देश में हो रहा है, ये एजिटेशन से ये जरूर है कि जो CAA जो इन्होंने एक्ट बनाया है ये जरूर बदली होगा और सरकार झुकेगी इसके अंदर। जिस तरह गांधी जी ने 1942 में 9 अगस्त को आंदोलन करके और चले जाओ की घोषणा देकर ब्रिटिश जैसे इतना बड़ा साम्राज्यवादी सत्ता थी उनको देश से भगाया, तो उनके सामने मोदी और शाह तो एक मामूली गवर्नमेंट है और उनको तुरंत इस देश में तो हम सत्ता से भगाएंगे, कानून का संविधान की रक्षा करेंगे और मजहब के आधार पर हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इन पर हम बंटवारा नहीं कर देंगे और उनके जो साजिश है उनको पॉलिटिक्स के लिए सत्ता के लिए वो कुछ हद तक जाते हैं, ये हमने देखा है। मुसोलिनी ने हिटलर ने ऐसा ही किया था और दोनों का जो अंत हुआ वो बिल्कुल उसका कल्पना ही नहीं कर सकते। तो मोदी और शाह को हम बताना चाहते हैं, ये वार्निंग देना चाहते हैं, ये उनको किसी भी हालत में ये जो सिटीजनशिप जो अमेंडमेंट बिल जो है और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन जो है वो दोनों स्क्रैप करना चाहिए और देश में जो बेरोजगारी है, दारिद्र्य है, आर्थिक विषमता है, बच्चों के पढ़ाई के सवाल है, रास्ते के सवाल है, दवा पानी के सवाल है, इस पर देश कोशिश करें। और यदि ये बिल उन्होंने वापस नहीं लिया दोनों, नेशनल सिटीजनशिप रजिस्टर और तुम्हारा ये नेशनल सिटीजनशिप एक्ट, तो हम मोदी जी को और अमित शाह को जैसा गांधी जी ने भगाया था उन लोगों को, वो तो बोलते थे कि 600 बरस में ब्रिटिश का जो साम्राज्यवादी जो सूर्य है वो कभी भी उसका सेट नहीं होता है, तो उसी तरह से हम जल्दी ही मोदी और अमित शाह को सत्ता से भगाएंगे, ये संकल्प लेकर आज सब लोग यहाँ जमा हुए थे। उसमें हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, बच्चे है, युवक है, सब लोग है, अमीर है, गरीब है। ये हमारा संकल्प है कि मोदी और अमित शाह को उनकी साजिश हम पूरी होने नहीं देंगे। गांधी जी ने अंग्रेजों के साथ छोड़ो भारत का आंदोलन इसी मैदान से किया था। इसी मैदान से नागरिक का जो नागरिक का तत्व का जो सिटीजन का जो कानून बनाया है तो वह कानून रद्द करो, इसके लिए यहाँ से आंदोलन करता है। वही रास्ता है, वही मैदान है और वही लगन है, वही रिसर्च ये हिंदुस्तान के बारे में किस तरह से बातें की जा रही है पड़ेगा, क्योंकि सेक्शन 4144 लगा दिया देश में कई जगहों पे पुलिस ने। 130 करोड़ भारतीय हमको समर्थन कर रहे हैं इस बिल, तो क्या हो गया? 7 स्टेट ने क्यों रिजेक्ट किया? क्यों पूरे देश में आक्रोश है? क्यों सारी पब्लिक रस्ते पे उतरी हुई है? ये उनका झूठ है और इसका खामियाजा भाजपा सरकार को भुगतना पड़ेगा। स्टूडेंट को भड़काया नहीं है, स्टूडेंट भी जानते हैं कि वो देश का फ्यूचर है। आप बुलेट डालोगे वो बैलेट से इसका रिप्लाई देंगे आपको, ये स्टूडेंट हमारा भविष्य है। आप स्टूडेंट को कोई जाति धर्म के साथ नहीं जोड़ सकते, ये देश को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए आक्रोश है ये। क्योंकि मोदी सरकार जब से सत्ता में आई है आप देखिए हर दिन कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें आ रही है जिससे देश का नुकसान हो रहा है। सिर्फ आज देश का माइंड भटका दिया, इकोनॉमी की हालत ख़राब है, 4.6 GDP हो गया है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है, ये सब चीज़ के लिए देश भर में आक्रोश है। और मुंबई के अंदर देखिए आज पूरा मुंबई का सड़क पे उतर गया है। हर इंसान कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, सोशल एक्टिविस्ट हो, लॉयर्स हो, डॉक्टर्स हो, स्टूडेंट्स हो, सब उतर के रस्ते पे आए पीसफुल प्रोटेस्ट करने। तो ये एक चीज़ का जवाब है कि हमको तुम्हारा संवैधानिक बिल एक्ट कानून मंजूर नहीं है, ये उस चीज़ का जवाब दे रहे हैं ये लोग अपनी तरफ से। रस्ते दबाव की वजह से नहीं आया, स्टूडेंट सब अपनी अपनी मर्जी से आए हैं
और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश के संविधान को बचाने के लिए, पढ़े लिखे लोग हैं। अब अमित शाह और मोदी से तो ज़्यादा ही पढ़े लिखे लोग ही है जो रस्ते पे उतरे, तो आप इनको तो मान सम्मान देना चाहिए। स्टूडेंट है और हमारा देश का फ्यूचर है। आज स्टूडेंट को लगता है ना कि हमारा देश गलत राह पे चल रहा है, हमको प्रोटेस्ट करना है, अभी नहीं तो कभी नहीं। अब हक की बात होगी, बराबरी की बात होगी देश में। आप डिक्टेटरशिप तो नहीं चला सकते। पुलिस को घुसा दिया आपने, रात के अंधेरे में जाके लाइब्रेरी के अंदर टीयर गैस छोड़ रहे हैं, बाथरूम में से मार रहे हैं, मस्जिदों में से मार रहे हैं, तो गलत है ना सर। कानून के खिलाफ नौजवान ही लड़ रहा है, लड़कियां लड़ रही है, अच्छी बात है, औरतें लड़ रही है, क्योंकि उनको क्या पहनना, क्या नहीं करना, क्या खाना, श्री राम ही कहना चाहिए, गुड मॉर्निंग करेंगे नहीं चलेगा, साड़ी ही पहननी चाहिए, ये जो है ना, ये आहिस्ता उनको मालूम है। ये दो कानून यानी आज आगे जाके लोगों को तकलीफ देने की बात होगी, ऐसा ही करना चाहिए, वैसा ही करना चाहिए। वो आरएसएस का सारा सारी नीति समाज में लाना चाहता है, उसको ये विरोध है।